21 जनवरी को थानेसर की अनाज मंडी में होने वाली कांग्रेस की रैली का निमंत्रण देने पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा आज गांव किरमच में आयोजित चाय के अनेकों कार्यक्रम में पहुंचे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद गांव किरमच में मिला। सर्दी के प्रकोप के बावजूद गांव किरमच के सैकड़ों लोगों ने अशोक अरोड़ा को भरपूर समर्थन देते हुए 21 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में थानेसर अनाज मंडी पहुंचने का अशोक अरोड़ा को आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने न केवल किरमच वासियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में 21 मार्च को थानेसर अनाज मंडी में पहुंचने का निमंत्रण दिया, साथ ही प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर जोरदार ढंग से आलोचना की। चंद्रमान जी, वेद प्रकाश जी, मोदी साहब, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों व प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में आने पर आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज क्योंकि नए साल में हम और आप पहली बार मिल रहे हैं, आप सबको नए वर्ष की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आप और हमारे लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए खुशियां लेकर आए, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी शुभकामना है। और दूसरा, आज आप जानते हैं कि देश और प्रदेश में किस प्रकार की सरकार है। इस देश को आजाद कराने में हमारे बहुत से जवानों ने हंसते हंसते पांची के फंदे चूमे, सीने पे गोलियां खाई थी, तब जाके देश आजाद हुआ। और देश जब आजाद हुआ तो अंग्रेज कहते हैं कि देश चलेगा कैसे, अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग जातियों में बटा हुआ देश, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ देश, जिस देश के अंदर खाने के लिए अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता था, उस चुनौती को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण की जिम्मेवारी दी। हम नमन करते हैं बाबा साहब को कि जिन्होंने संविधान के अंदर हमें सबको बराबरी का अधिकार दिया। देश की आजादी से पहले, ये नए बच्चे बैठे हैं को शायद ना पता हो, देश की आजादी से पहले वोट का अधिकार बड़े लोगों को होता था, जेलदारों को, जागीरदारों को, उद्योगपतियों को, सरमाएदारों को, गरीब को वोट का अधिकार आम आदमी को नहीं था। परंतु बाबा साहब ने संविधान बनाया, 21 साल के हर व्यक्ति जो जिसकी उस समय उम्र थी, चाहे बड़ा था, छोटा था, गांव में रहता था, शहर में रहता था, किसी जाति से था, किसी धर्म से था, औरत थी, आदमी था, सबको वोट का अधिकार दे गए, हमें बराबरी का अधिकार। और क्योंकि हम लंबे समय तक गुलाम रहे थे, उन्होंने संविधान के अंदर SC समाज के लोगों को और BC समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा मिले, हमें नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। परंतु आज की मौजूदा सरकार, जो उस समय भी RSS वाले किस आरक्षण के खिलाफ थे, देश की आजादी के खिलाफ थे, आज फिर से सीधे तौर पे तो आरक्षण खत्म नहीं कर पाते, आज नौकरियां सारी प्राइवेट कर दी, आज सरकारी जो दायरे थे, BSNL होता था, आपकी इंश्योरेंस कंपनी थी LIC, आपके हवाई जहाज थे, रेलवे थे, सबको प्राइवेट करते जा रहे। अगर नौकरियां ही प्राइवेट में चल जाओगी और आरक्षण कहां से रहेगा। और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री खट्टर तो पहले ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण खा गया। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने 95,000 नौकरियां दी है कौशल विकास में, कि हमारी बच्चियां और बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं, कौशल विकास सरकारी नौकरी है, कच्ची पक्की नहीं है, उसमें 95,000 में जो 27% BC का और 20% SC समाज का कोटा था, उस 47% में एक भी नौकरी नहीं, सारी अपनी मर्जी की लादी। कांग्रेस की सरकार थी, कच्ची नौकरियों में रक्षण था, और ये सरकारी में भी खान लग रहे हैं। और ये अगर आगे फिर आगे तो फिर आगे तो जिसमें आप पढ़ रहे होंगे अखबार में, बांग्लादेश के अंदर जो वहां की सरकार है वो वोट ही नहीं पढ़न दे रही, भी नहीं पढ़न देने का, ये तो कहेगा नहीं करना। ये यहां तक कह सकते हैं
ये मेरी भाने बैठी है, इनके बीच में चोले खाओगे कि राम मंदिर बनने लगे। अच्छी बात है, राम मंदिर तो बनना चाहिए, राम तो सारों का है, इनका थोड़ी हमारा भी है। ये तो उसका गुड मॉर्निंग है, आप राम राम का सवेरी उठती तो राम सबका है। परंतु ये कहते हैं कि 400 साल से राम बाहर बैठा था, मोदी उन्होंने मार लग रहा है, जो सबको कर देगा उसने मोदी कर देगा। ये इस तरह के लोग, ऐसे लोगों से बचने का एक ही तरीका, नया साल है, आपके लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ो। और आपने तो हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, आगे भी कांग्रेस का साथ दो। कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। और ये तो अब आपके बीच में आके कह देते हैं, रोज टीवी पे भी बता देते हैं कि 5 किलो अनाज फ्री दे रहे। अरे 5 किलो अनाज 125 रुपए का दे रहे हो, 400 वाला सिलेंडर 1100 में दे रहे। पहले कांग्रेस राज में 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1100 रुपए है। महंगाई की कितनी मार पड़गी, डीजल 45 रुपए लीटर था, आज 90 रुपए लीटर है। पेट्रोल 50 रुपए लीटर है, आज 100 रुपए लीटर है। और मेरी माता बहने बैठी है, 2014 में जो रेट था, आज कोई सा सामान लेने मांग जो 3 गुना रेट बढ़ गया। सारे तुम्हारी जेब पे डाका डालने वाले लोग हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ो। कांग्रेस की सरकार बनेगी, सिलेंडर भी 500 रुपए का सबको मिलेगा, चाहे कोई हर एक को सिलेंडर 500 का देंगे। आपके 300 यूनिट पे बिजली फ्री कर देंगे, बुजुर्ग की पेंशन 6000 करेंगे। और आपके 200 गज के प्लाट पहले भी कांग्रेस ने काटे थे 3,82,000, आगे भी कांग्रेस हुड्डा साहब ने कहा कि 700 गज के प्लाट भी देंगे और उसके अंदर 2 कमरे भी बना के गरीब को देंगे, ताकि गरीब जिसपे रहने की छत नहीं है सरकार की तरफ से उसको मकान बना के दिया जाएगा। और यही काम होंगे, ये तो लठ मारा सबने, कोई चला जाए ना मांगन। अभी 31 तारीख ने गैस टीचर गए, उन पे लठ मारे। ओल्ड पेंशन स्कीम मांगन कर्मचारी गए, उन पे लठ मारे। सरपंच पंच गए, उन पे लठ मारे। आशा वर्कर गई, उन पे लठ मारे। तो ये लठ से चलाने वाली सरकार है, इनसे छुटकारा पाने का एक तरीका है कि आप और हम सब इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी का साथ लगे और 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनाज मंडी को क्षेत्र पहुंचे। आपका धन्यवाद।